वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सुवीरा और हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। इन केस अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको पार्ट वन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले पार्ट वन देख लो फिर आप ये वीडियो देखना, ठीक है। तो अब हम लोग पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से वो सोच रही थी कि वो जीत जाएगी और उसे कुछ टाइटल मिलेगा लाइक क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरीके का टाइटल मिलेगा। विथ सच वंडरफुल फैंसीफुल थॉट्स वार्मिंग द कॉकल्स ऑफ माय हार्ट, और वो अंदर ही अंदर से खुश हो रही थी। आई टू गॉट अप टू टेस्ट माय ओल्ड स्लाइटली बैटर्ड स्पाइक्स ऑन द न्यू अनफेमिलियर ट्रैक, और फिर वो अपना जो जूता है वो स्पाइक्स वाला, वो स्पाइक्स शूज़ मतलब वैसे शूज जिसमें कि कांटी लगा रहता है उसके नीचे में ताकि दौड़ने में आसानी हो, ठीक है। तो इस ट्रैक पे वो मतलब वार्म अप करने लगी। नो वन चीयर्ड मी ऑन एज आई वार्म्ड अप, और फिर जब वो वार्म अप करने लगी तो कोई भी चीयर नहीं किया। Doing springs and stretches to force the winter chill out from my bones and muscles, और फिर वो एक्सरसाइज करने लगी ताकि जितने भी ठंड है उनके हड्डियों में गर्माहट आए, मतलब उनके बॉडी में गर्माहट आए, इसके लिए वो एक्सरसाइज करने लगी। Only the power of positive thinking and I were out there, hand in hand. I stopped to catch my breath and watch the 110 meter hurdles and the high jump pole. I somehow had never been able to conquer these two events, but today I promised myself I would fly. But आज ये खुद से कह रही है कि मैं आज इतना अच्छा से दौड़ूंगी कि मैं एकदम उड़ने लगूंगी, मतलब कि अपना बेस्ट दूंगी। And then the 800 meter race was announced. फिर थोड़ी देर के बाद 800 meter race का announcement हुआ। We drew lots for our lane and I got lane 3. और इसे लेन 3 मिला था। आई हैड पिक द लेन राइट नेक्स्ट टू सुवीरा, और सुवीरा को इसके बगल वाला लेन मिला था, यानी कि फोर्थ लेन मिला था सुवीरा को, हु वॉज रनिंग इन द लेन 4। नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट, और मतलब ये शुभ स्टार्ट नहीं है, मतलब शुभ आरंभ नहीं है, ये कुछ अशुभ होने वाला है। स्लाइट ट्रेम्बल शुक माई ड्यूलिंग कॉन्फिडेंस, और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया। I admit that for a fleeting moment I actually considered feigning a faint right there and then, और फिर मतलब यहाँ पे वो मतलब खुद को मतलब बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करने लगे। बट आई कुडेंट लेट माई सेल्फ डाउन दैट बैडली, बट यहाँ पे वो खुद को गिराना नहीं चाहती थी अपने आप को। कुड आई, नो आई मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट आई एम नॉट चिकन। यहाँ पे आई एम नॉट चिकन का मतलब है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। कम ऑन आई कॉक्स्ड, और फिर मैं खुद को उत्साहित की कि चलो ना जीत जाएंगे। माई कोल्ड लिम्स एज आई डिड अनदर राउंड ऑफ क्विक स्प्रिंग्स, I had so much to prove and so much to achieve, और फिर ये सोचने लगी कि मुझे बहुत सारा चीज़ अचीव करना है और मुझे बहुत लोगों को प्रूव करना है दैट आई एम द बेस्ट। यू सी नॉट ओनली वॉज आई न्यू टू द स्कूल बट ऑल्सो माई फैमिली एंड आई हैड कम अवे फ्रॉम कैलकटा इन वॉट आई व्यूड एज अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज। सडनली आवर कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल हैज़ वैनिश्ड, और हम लोग का जो आराम का ज़िंदगी चल रहा था कोलकाता में वो अचानक से ख़त्म हो गया। आई न्यू, मुझे पता है, माई पेरेंट्स वर पुटिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर ऑन देमसेल्फ बाई एडमिटिंग मी इनटू दिस गुड बट एक्सपेंसिव स्कूल, और फिर ये सोच रही है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो मुझे इस महंगे स्कूल में पढ़ा सके। I had to leap up their expectations now, और मुझे उनके उम्मीद पर खरा उतरना है, मतलब कि मैं उन्हें निराश नहीं करूँगी, मैं जब जीतूँगी ये स्पोर्ट्स तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, एंड माइन एज वेल, और मुझे भी अच्छा लगेगा। आई वुड कम्पीट वेयरिंग माई ओल्ड बैटर्ड स्पाइक्स सिंस आई कुडंट एफोर्ड अ न्यू पेयर, आई वुड वेयर माई ओल्ड स्पाइक्स एंड आई वुड विन, डियर गॉड आई हैड टू विन।
फिर यहाँ पर वो बोल रही है कि मुझे अपने इस पुराने जूते में ही दौड़ना पड़ेगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ये स्पाइक शूज़ जो होता है उसके नीचे ना कांटी लगा हुआ रहता है, तो जो एथलीट होता है ना या फिर जो क्रिकेटर्स होते हैं वो स्पाइक शूज़ पहन के ही दौड़ते हैं, और इनका जो स्पाइक शूज़ है वो अब पुराना हो चुका है और फट भी गया है। और कह रही है कि मैं आई कुडंट अफोर्ड अ न्यू पेयर, और मैं नया अभी नहीं ख़रीद सकती, और हमको ये पुराने शूज़ में ही दौड़ना है, और भगवान जी प्लीज़ हमको आप ये रेस जो है वो जिता दो। ऑन योर मार्क द स्टार्टर आर्म वेंट अप, द होल स्कूल ग्राउंड वेंट डेथली क्वाइट। और फिर जो स्टार्टर होता है जो बंदूक ऊपर में ऐसे करके टांग के मारता है, गन फायर करता है, तो जब ये करने लगा तो पूरा स्कूल का ग्राउंड शांत हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। I crouched down behind a straight line. I tried not to look over to my right, but my eye caught the dark arm that had tensed ready for action. और फिर यहाँ पर वह सोच रही है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने राइट साइड नहीं देखूँ, क्योंकि राइट साइड सुवीरा थी, और जब यह सुवीरा को देखती थी तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता था। तो ये सोची कि उसे इसे अब राइट साइड नहीं देखना है, क्योंकि अगर मैं उधर देखी तो मैं अनकॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। बट इसका नज़र उधर चला ही गया, और जब इसका नज़र उधर गया तो देखा कि उसका जो मसल्स है सुवीरा का वो रेडी है एक्शन के लिए। गेट सेट आई लुक्ड अप देन एवरी सेंस मेंटली सर्कलिंग लेन थ्री एंड फिक्सिंग ऑन द फिनिश लाइन आई वॉज गोइंग टू सेट देयर फर्स्ट अहेड ऑफ एवरीवन एल्स एवरीवन इंक्लूडिंग सुवीरा माथुर। My right leg was extended way back, my shoulders poised forward, my tip of fingers resting on my red track, ready for takeoff. और यहाँ पर यह रेडी हो गई अब दौड़ने के लिए। Go! The starter's gun went off and I was out of my block almost immediately racing away. There was no one on my left and more importantly there was no one on my right. कोई भी इसके लेफ्ट में नहीं था और ना ही कोई राइट में था। I was ahead और मैं सबसे आगे थी and sprinting away और मैं भागी जा रही थी। The roar of the crowd was defining. I was thinking of nothing now और मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, मैं सोच रही थी। Flying और मैं उड़ रही थी, free. Released, then my ears began to register a troubling sound. I frowned it slightly as a single voice of the crowd chant became clear. और फिर थोड़े देर के बाद पूरा क्राउड से बस एक ही आवाज़ आ रहा था, सुवीरा सुवीरा सुवीरा। There wasn't a single voice chanting my name. सभी कोई सुवीरा का नाम ले रहा था बट कोई भी मेरा नाम नहीं ले रहा था। They didn't even know my name और who I was और उन लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। Not even those in my own house और मेरे खुद के हाउस का जो स्टूडेंट था उसे खुद नहीं पता था मेरा नाम। To me it seemed as if the whole school, the whole of Delhi, the whole of India, the whole of world was chanting that one name. और यहाँ पर इसे लग रहा था कि पूरा दुनिया सिर्फ एक ही नाम ले रहा है और वो नाम है सुवीरा। द चैंट वॉज राइजिंग टू अ क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब होता है एक आवाज़ जो कि मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एंड आई न्यू वाई आई कुड हियर द ड्रम बीट ऑफ हर फीट एज दे पाउंडेड डाउन लेन फोर इन हॉट परस्यूट। I knew she was closing in on me. और अब मुझे पता चल रहा था कि जो सुवीरा है वो मेरे अब बहुत करीब आ रही है। I knew I had got away too early at the start. और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी दौड़ना। I hadn't paced myself correctly. और मैं सही वक्त पे सही पेस के साथ नहीं दौड़ी। We were approaching the 400 meter mark. और अब हम लोग दोनों अप्रोच कर रहे थे 400 meter mark को।
द क्राउड वेंट क्रेजी एज सुवीरा क्लोज द गैप बिटवीन अस। और अब जो है कि क्राउड जो है, जो पूरे स्कूल का कैंपस है, वो सभी पागल हुए जा रहा था सुवीरा को लेके, क्योंकि सुवीरा जो है अब मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी। वी वर रनिंग शोल्डर टू शोल्डर एंड ईच वॉज आइंग द अदर टू सी हु मेड द फर्स्ट मूव। और अब हम लोग शोल्डर टू शोल्डर दौड़ रहे थे, मतलब एक साथ दौड़ रहे थे दोनों, और अब हम लोग यही देखना था कि सबसे आगे कौन निकलता है। स्लो डाउन आई टोल्ड माई सेल्फ। फिर मैं खुद से बोले कि अब धीरे हो जाओ, अब धीरे हो जाओ। आई स्टार्टेड स्लोली स्लोइंग डाउन, और फिर मैं धीरे धीरे स्लो होना शुरू की। वेरी इम्प्रेसिवली इट इज़ एन ओल्ड ट्रिक इन रेसिंग। और यह एक बहुत ही ओल्ड ट्रिक है रेसिंग में, मतलब कि जब आप स्लो होते हो ना, तो आपका अपोनेंट को लगता है कि ये तो अब हार रही है, तो अपोनेंट भी स्लो हो जाता है। You cut back on pace and your opponent too takes the pursuit of herself. तो वही मतलब जब आप स्लो हो जाते हो दौड़ते दौड़ते, तो आपकी अपोनेंट को लगता है कि ये अब हार रही है, ये थक चुकी है, इसीलिए आपका अपोनेंट भी स्लो हो जाता है। सी डिड इट वर्क, और ऐसा ही हुआ, सुवीरा भी स्लो हो गई अबीट, वो थोड़ा सा स्लो हो गई, बट विथ अ वाइडली इंथुजियास्टिक क्राउड एजिंग हर ऑन जस्ट 300 मीटर टू गो। और अब बस 300 मीटर बाकी था। सी बिगेन पुलिंग अवे, सी वॉज इन फ्रंट नाउ। और अब वो सुवीरा मेरे से आगे है, एंड आई हैड लॉस्ट द लीड दैट आई मेंटेन फॉर द फर्स्ट हाफ। और जो मैंने फर्स्ट हाफ में जो लीड किया था, मतलब जो मैं सबसे आगे थी, और अभी क्या है, अभी सुवीरा मेरे से आगे हो गई है। आई हंग ऑन दो हैंगिंग ऑन टू हर टेल लाइक अ वरिंग डॉग। आई हैड जस्ट ले बैक अ बिट, मतलब मैं उसके पीछे थी, कैच माई ब्रीथ, और मैं अपने सांस को कंट्रोल कर रही थी, रिफ्यूल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को रिफ्यूल कर रही थी, मतलब मैंने अपने आप को खुद को एनर्जी जो स्टोर करके रखी थी वो अब निकाल रही थी। एंड गिव इट माई बेस्ट शॉट, माई गेज ट्रेवल्ड डाउन हर लेग्स एज दे पम्प्ड देयर वे टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। आई थिंक इट वॉज देन that I saw her shoes, brand new one. और फिर मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे उसका जूता दिखा, brand new shoes with glistening sharp spike that sprang forward beat. और चमकीला, glistering मतलब चमकीला shoes, उसमें spike लगा हुआ था, और spike जो है वो मिट्टी को खोदते हुए आगे बढ़ रहा था into the track and then sprang forward like a wild untamable animal. अनटैमिएबल एनिमल मतलब कि ऐसा एनिमल जो कंट्रोल में ना है, जैसे कि बुल होता है ना, बुल हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता, तो वैसे एनिमल के जैसा वो भाग रही थी। आई ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट दोज स्पाइक्स, और मैं कोशिश कर रही थी मैं उनके जूतों के बारे में ना सोचूं। आई कंसंट्रेटेड इंस्टेड ऑफ माई ओन, और फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दी। माइन वर ओल्ड एंड ब्लंटेड थ्रू यूज़, और मेरे जो जूते थे वो मतलब पुराने हो चुके थे, और ब्लंटेड मतलब कि उसका जो कांटी था, जो जूते के नीचे कांटी होता है, वो जो था वो अब भोथर हो चुका था। भोथर मतलब कि उसमें नोक नहीं था, नोक उसका ख़त्म हो चुका था। बट दे हैड एक्सपीरियंस, बट मेरे जो जूते थे इस जूतों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है रेस। एंड यस माई ओल्ड स्पाइक वर यूज्ड टू विनिंग, और मेरे जो ओल्ड स्पाइक है, मेरे जो पुराने जूते हैं, वो जीतने में मेरा बहुत मदद किया। श्योरली माई गुड ओल्ड स्पाइक हैड समथिंग सम हंगर लेफ्ट इन दैम येट, और अभी भी इन जूतों में वो पुरानी बातें अभी भी हैं। आई वॉज क्लोज नाउ, और अब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी। जस्ट 20-30 मीटर्स टू गो, और बस 20-30 मीटर और जाना था। My old blue spike had put me on the victory stand often enough. I would take them there this time. Past those flashy new spikes, past the home favorite, I surged forward. Suvira head swiveled sideways to check how close I was. Seeing my close in, she stepped on accelerator, but I was going full steam ahead too. और अभी तक सुवीरा आगे चल रही थी, फिर मैं उसके बहुत क्लोज आ गई। फिर जब सुवीरा मुड़कर मुझे देखी कि मैं उसके कितने क्लोज हूँ, तो मैं उसके बहुत क्लोज थी, और यह देखते हुए सुवीरा और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर गई। एक्सेलरेट करना यानी कि और भी ज़्यादा स्पीड वो बढ़ा ली अपना।
बट आई वॉज गोइंग फुल स्टीम अहेड टू, और मैं भी उससे कम थोड़ी थी, मैं भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी. सुवीरा 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 द होल यूनिवर्स रिमेम्बरेटेड, और सभी कोई उसका नाम को पुकार रहा था विद द नेम ऑफ माई वर्दी अपोनेंट. वी रैन टुगेदर ना, और अब हम दोनों साथ में हो चुके हैं स्टेप फॉर स्टेप, और उसका जो स्टेप बढ़ रहा है मेरा भी सेम स्टेप बढ़ रहा है स्ट्राइड फॉर स्ट्राइड. द ओल्ड फेवरेट विथ न्यू सूज, द न्यू कमर विथ ओल्ड वंस, और जो ओल्ड फेवरेट थी सभी का, मतलब सुवीरा जो सबकी फेवरेट थी वो न्यू सूज में दौड़ रही थी, और ये जो न्यू कमर थी वो ओल्ड सूज में दौड़ रही थी. द टेप वॉज विद इन आर्म्स रीच नाउ. I charged towards it. She charged towards it. I could feel my lungs bursting with the effort. I could hear her gasping too. Hear her through the roaring pain of effort in my ears. और वो भी बहुत, सुवीरा भी बहुत कोशिश कर रही थी कंपीट करने का, और दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे. एंड ब्रिस्टेड द टेप, और फिर अब हम जाके दोनों एक साथ उस टेप में टच किए. सी डग्ड हर हेड ब्रिस्टेड द टेप. आई क्रॉस द फिनिश लाइन, सी क्रॉस द फिनिश लाइन, और दोनों एक साथ ये जो फिनिश लाइन है ना उसे क्रॉस की. द क्राउड वेंट वाइल्ड, और जो वो पूरा लोग जो चिल्ला रहे थे वो सभी और ज़्यादा पागल हो गए. चेयरिंग एंड चैंटिंग, स्टिल चैंटिंग सुवीरा नेम, और अभी तक वो जो जितना भी क्राउड था सभी सुवीरा का नाम ले रहा था. देयर वर वॉइस दैट आस्क्ड, हे हु इज दैट, what is that new girl's name, वो नई लड़की का क्या नाम है. एंड देन वी वर स्टैंडिंग देयर टुगेदर ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द विक्ट्री स्टैंड वेयर बोथ ऑफ अस वेयर यूज टू स्टैंडिंग अलोन. सी टर्न टू मी एंड स्माइल्ड अ फ्रेंडली ओपन स्माइल एज दो सी वॉज जेन्युइनली हैप्पी. और फिर सुवीरा इसकी तरफ मुड़कर देखी, मेरी तरफ मुड़कर देखी, और वह बहुत ही बिग स्माइल की जो कि बहुत जेन्युइन स्माइल था, मतलब दिल से वो खुश हुई. वेल डन सी सेड, फिर सुवीरा बोली वेल डन, बहुत अच्छा की तुमने. वेल रन आई सेड, फिर मैंने भी उसे बोला कि तुम भी बहुत अच्छे से दौड़ी हो. देन वी जॉइंट हैंड्स एंड रेज्ड देम टू एक्नॉलेज द चीयरिंग ऑफ आवर स्कूल माई स्कूल, और फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ ऊपर करके ये सोचिए कि सी इज़ द विनर, और फिर वो सुवीरा भी सोचिए कि सी इज़ द विनर. तो ये था पूरे स्टोरी. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होंगी. अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. आपको कैसा लगा ये स्टोरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये स्टोरी को शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.